नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे टैली को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम फाइल की आवश्यकता होती है। हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी स्टॉल आपके कंप्यूटर में होता है, यानी जो सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, जो चलता है, उसकी क्या क्षमता होती है और क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। सपोज कि भविष्य में आप कोई कंप्यूटर खरीदने चाहते हैं या कोई लैपटॉप डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर की क्षमता कितनी होनी चाहिए, यानी जो मैं आप चीज़ खरीदता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, जिससे हमारा जो भी चीज़ जिस पर्पज़ से उस कंप्यूटर खरीद रहे हैं, वो समस्या का समाधान उसमें आसानी से कर सके। तो आज हम यही जानेंगे कि हमारे टैली या किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप चाहे वो डेस्कटॉप। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, वी आर नीडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फाइल्स टू सक्सेस रन द टैली एप्लीकेशन, यानी टैली को सक्सेस को रन कराने के लिए हमारे कंप्यूटर या डेस्कटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ दिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर फाइल्स, यानी जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है जो टैली को स्टार्ट करता है हमारा, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर फाइल्स में एक फाइल होता है सबसे पहला r2ex.bat फाइल। ये ऐसा फाइल होता है जो कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं, कंप्यूटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल तौर पे आप गाड़ी स्टार्ट करने के पहले किक मारते थे, आज सेल्फ बटन आपका आ गया है। उसी तरीके से पहले के समय और आज के समय हमारे प्रोग्राम होते हैं, यानी बटन दबाते हैं, पहले विंडो को ऑन करना पड़ता था, आज विंडो सेल्फ ऑन होता है। उसका वजह है r2ex.bat फाइल। दूसरा, ये दोनों इस फाइल को config.sys और hemant.sys, ये दोनों फाइल विंडो को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा विंडोज सक्सेसफुल ऑन होता है। ये सारे फाइल्स विंडोज के फोल्डर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। जब इतना चीज आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रहता है सॉफ्टवेयर, तभी हमारा विंडोज इंस्टॉल होता है, तभी हम किसी उसके बाद किसी अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम टैली इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो टैली की जो फाइल होती है tally.exe, ये जो टैली फाइल होती है, टैली को ऑनलाइन इंस्टॉल करता है या ऑफलाइन इंस्टॉल करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे सॉफ्टवेयर की होती है जो टैली को या हमारे लैपटॉप को या डेस्कटॉप को चलाने में मदद करते हैं। अगर हार्डवेयर सेक्टर की बात करें, तो हार्डवेयर में मिनिमम रैम कम से कम 1 GB का होना चाहिए। आज 2 GB का है, 4 GB का रैम लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट से हमारी क्या जरूरत पड़े, हम फालतू स्पेस लेके क्या करेंगे। तो मिनिमम आपके पास 1 GB रैम है, इसे नेट भी चला सकते हैं, टैली भी चला सकते हैं और विंडो भी सक्सेसफुल ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, मदरबोर्ड मिनिमम प्रोसेसर डुअल कोर, यानी मदरबोर्ड जो जिसपे आपका पूरा लैपटॉप या डेस्कटॉप डिपेंड करता है, उसकी मिनिमम उसके भी कई सारे सीरीज यानी कई सारे वर्जन होते हैं। हम पुराने सीरीज की बात कर रहे हैं, अब तो i10 i7 बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं, लेकिन हम पुराने सीरीज की बात कर रहे हैं कि मदरबोर्ड मिनिमम प्रोसेसर डुअल कोर, ये वर्जन का नाम है, प्रोसेसर वर्जन का नाम है जी। ये भी रहेगा तो भी आपके लिए कम्फर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसमें काम कर सकते हैं आप। VGA या CRT या TFT या LED, इन तीनों में से कोई भी मॉनिटर है, VGA यानी VGA यानी CRT यानी कोई भी, यानी जो बड़े बड़े मॉनिटर भी हो या TFT हो या LED, कोई भी मॉनिटर हो, किसी मॉनिटर को ऑपरेट कर सकते हैं इसमें। पेन ड्राइव और सी ड्राइव जो इंस्टॉल करने के लिए आवश्यकता होती है, एंड कीबोर्ड या माउस आपको जरूरत पड़ती ही है उसमें। आपका हार्ड डिस्क जो मिनिमम हार्ड डिस्क यानी कंप्यूटर जो मेमोरी है, वो मिनिमम कम से कम 1 TB का होना चाहिए, उससे नीचे भी आता नहीं है, लेकिन फिलहाल मिनिमम आपको 1 TB जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा ये लास्ट जो भी बच्चे सामान और भी हैं, वो कंप्लीट सिक्योरिटी वेंडर ऑलरेडी लगे होते हैं। तो ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फाइल होते हैं जो हमारे सिस्टम डेस्कटॉप या टैली को सक्सेसफुल या किसी भी सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल चलाने में मदद करता है। ये है आपका हार्डवेयर ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है या नहीं भी आया है, तो इसको रिप्लाई या कमेंट्स या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।